ऑल राइट गाइस, इट्स सुनील एम्पायर बैक अगेन इन न्यू वीडियो बेबी। सो गाइस, तो बहुत दिन बाद और एक नई सुबह और एक नई जर्नी। तो बेसिकली मैं दुकान में बिजी हो जाता हूँ, इसलिए कोई ब्लॉग शूट कर नहीं पाता। तो जैसे ही पापा गांव से मतलब दुकान में आ जाता है तो मैं फ्री हो जाता हूँ, तो उसके बाद ब्लॉग शूट करता हूँ। तो बेसिकली आज चल रहे हैं बड़ा बाजार मार्केट में। तो आप में से मैं इतने दिनों में कमेंट देख रहा था कि जो इंडस्ट्रियल वाला जो वीडियो डाले थे, तो उसमें मतलब हर एक बंदे ने कमेंट किया कि और दिखाओ और दिखाओ। तो बड़ा बाजार में कैनिंग स्ट्रीट के अंदर और भी मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रियल का दुकान है, तो शॉप है। तो देखते हैं क्या क्या देखते हैं, आज चलते हैं मार्केट में और आपको दिखाएंगे क्या क्या। शुरू जो चलते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या क्या प्राइस में मिलता है, क्या कैसे कैसा चीज़ मिलता है, ए टू जेड आपको दिखाएंगे। तो बेसिकली ये पार्ट टू वीडियो है, तो पार्ट वन अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में देख लेना। एंड तो देर किस बात के, चलो चलते हैं। फिलहाल तो ब्रेकफास्ट करते हैं, तो रोटी है, तो फिलहाल तो ब्रेकफास्ट करते हैं, निकलते हैं चलो। अभी हम आ चुके हैं तो बड़ा बाजार मार्केट में। तो यहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक शॉप्स मिल जाएगा, मतलब दोनों साइड पे। तो बेसिकली मैं दुकान में चलता हूँ तो दिखाते हैं क्या क्या रेट में यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली मैं जहाँ पे मतलब जिस शॉप के आपको दुकान में दिखाया था, तो उसी शॉप पे चलते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या क्या रेट में यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है। और पहले से मतलब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा मतलब आइटम बढ़ चुका है, तो आपको प्राइस पता करते हैं और दिखाएंगे। और आपको क्या क्या चीज़ मतलब चाहिए तो यहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ब्रेकम बेस्ट शॉप यही लगा, तो चलते हैं और भैया से बात कर लेते हैं क्या क्या प्राइस में मिलता है और एड्रेस भी पूछ लेते हैं आपको, ठीक है। तो चलो देख सकते हो ये शॉप का नेम है। तो बेसिकली शॉप फ्रंट साइड से ऐसा दिखता है, और यहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक चीज़ मिल जाएगा। जैसे कि देख ही सकते हो यहाँ पे कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर लगा हुआ है, और ऐसा लस्सी मेकिंग मशीन लगा हुआ है, एंड इसके बाद आपका गन्ना वाला जूस लगा हुआ है। तो भैया से एड्रेस पूछते हैं, भैया का शॉप का नेम पूछते हैं, एंड उसके बाद आपको प्राइस थोड़ा बहुत डिटेल्स कर देंगे और आके आप प्राइस कन्फर्म कर लेना, ठीक है। तो देखने के लिए और उसके बाद दिखाते हैं क्या क्या प्राइस में, थोड़ा बहुत रेट पता करते हैं। शॉप का नेम क्या है और एड्रेस? 3 लीटर का है, 3 लीटर है। और ये प्राइस क्या पड़ जाता है? इसको बोलते हैं 5 लीटर। अच्छा, ये बड़ा वाला प्राइस क्या पड़ जाएगा? 3 लीटर वाला का 8.5 हज़ार। तो 3 लीटर वाला आपको 8.5 हज़ार पड़ जाएगा। एंड उसके बाद आप देख सकते हो ये वाला क्या चीज़ है, ये मीट मिक्सर है, कीमा वाला। अच्छा, कीमा वाला, कीमा वाला मशीन। तो एक कितना मतलब एक ही साइज आता है कि बड़ा भी आता है? बड़ा आता है, छोटा आता है, स्टैंडर्ड ही चलता है सबसे ज़्यादा। मोटराइज है। तो कितना वाट का ये? ये 1 HP मोटर है, 1 HP मोटर। तो इसका प्राइस क्या पड़ जाएगा भैया? ये आपको 15,500। पूरा कंप्लीट आपको पेपर वर्क करके देंगे तो 15,500 रुपया पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट अगर आप करना चाहते हो तो भैया से आके बात कर सकते हो, ठीक है। तो और इसके बाद ये जूस मशीन ना, जूस और जो 12 नंबर 15 नंबर 12 14 15 18 चारों साइज ही मिल जाएगा। ये घर के लिए वो छोटा वाला है, वो मिक्सी वाला जो स्टैंडर, वो छोटा वाला घर के लिए। तो जैसे कि ये वाला क्या प्राइस पड़ जाएगा? 5,000 का अराउंड पड़ेगा। तो देख ही सकते हो गाइस, 5,000 का अराउंड पड़ेगा। उसके बाद दिखाते हैं और ये क्या चीज़? ये क्या चीज़? कैरेट जूस। कैरेट जूस और गाजर का जूस,
लौकी जूस। अच्छा, लौकी जूस, गाजर का जूस। तो ये घर के लिए कि मतलब दुकान के शॉप के लिए भी? शॉप के लिए। शॉप के लिए तो दे सकते हो। तो जूस, ये सब जूस प्रोडक्ट है, जूस आइटम का। तो ये प्राइस क्या बढ़ जाएगा? छोटा वाला है सबसे छोटा, 9,000 रुपये दाम है, 9,500 है। उससे बड़ा भी आएगा। मैक्सिमम कितना? 9,500 का है, 13,500 का है, उसके ऊपर 15,500 का है। सब साइजेस, जो साइज के ऊपर है, साइज के ऊपर में है, छोटा बड़ा साइज है। आप आके चेकआउट कर लेना। तो ये जूस ब्लेंडर है, एंड उसके बाद कैरेट जूसर है, कैरेट जूसर है। इसके नीचे में पोटैटो पीलर है, आलू छिलने वाला, आलू छिलने वाला, आलू को छिलने वाली मशीन है ये। बहुत सारा आइटम आपको मिल जाएगा, देख ही सकते हो गाइस। ये क्या रेट पड़ जाएगा? ये 15 kg का है, उसके बगल में 20 kg, मतलब 1 से 15 kg आलू छिलेगा। 15 kg आलू के साइज के ऊपर में डिपेंड करता है। अच्छा, साइज को अगर बड़ा आलू होगा तो कम जाएगा, और साइज का होगा तो 15 kg जाएगा मिनिमम। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छा, तो एक क्या रेट पड़ के? ये आपका पकड़ लीजिए, अगर 15 kg वाला अगर आप लेंगे तो 25,500 रुपये। 25,500 रुपया। तो 15 kg बेसिकली ये जो होटल वोटल में रहता है ना, तो रेस्टोरेंट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो देख सकते हो 15,500 के आसपास पड़ेगा। और ये वाला क्या चीज़ है? ये ड्रिल मशीन है, पीटर ड्रिल। ये आपका कारखाना वाले लोग ले जाते हैं ड्रिल मशीन, जो ड्रिल छेदा वेदा करने के लिए। अच्छा, ड्रिल मशीन, लेद कारखाने में, लेद कारखाने में ये यूज़ होता है। तो बेसिकली देख ही सकते हो ड्रिल मशीन है। ये क्या प्राइस पर मिनिमम? ये आप पकड़ लीजिए, ये बड़ी साइज की है, 1 इंची का है। हाँ, ये अभी ये मोटर वोटर ले करके करीब आप पकड़ लीजिए 17,000 रुपये का पड़ेगा। तो देख ही सकते हो ट्रांसपोर्ट का अलग चार्ज, ट्रांसपोर्ट का अलग चार्ज है। तो गाइस, ये आटा गूंदने का मशीन है, रोटी आटा गूंदने का, जो आटा मैदा गूंदने का मशीन है। ये क्या प्राइस क्या पड़ेगा? 10 kg का है, 25,500 रुपये। 25,500 रुपये 10 kg का। इससे बड़ा, तो इसके बड़ा भी है, 20 kg। और ये 5 kg का। अच्छा, ये वाला, ये 5 kg का। ये क्या प्राइस क्या पड़ जाएगा इसका? ये आपका 14,500 रुपये 5 kg का, 14,500 रुपये, 14,000। तो आप आके प्राइस थोड़ा बहुत कंसेशन, थोड़ा बहुत मतलब घंटे में कंसेशन हो जाएगा। तो गाइस आओ, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत आपको ऑन टेबल कंसेशन हो जाएगा। यहाँ पर ट्रस्ट देता हूँ मैं, ठीक है? तो इसके बाद आज ये ग्रेवी मशीन है, ये वाला ग्रेवी मशीन, ग्रेवी मशीन है टेस्ट करने के लिए। अच्छा, टमाटर आदि लहसुन प्याज हर एक तरह का, रेस्टोरेंट वाले कैटरिंग वाले भी जाते हैं ये। अच्छा, तो ये प्राइस क्या बढ़ जाता है? इसमें भी साइजेस है सब, 11,500, 15,500। 9 इंच का लिखा हुआ है, 3 HP का है, 15,500 रुपये। ये एक ही है दोनों? ये दोनों एक ही, उससे छोटा साइज भी है। छोटा साइज, छोटा बड़ा सब मिल जाएगा? सब मिल जाएगा, छोटा बड़ा आपको सब मिल जाएगा। और ये क्या चीज़ है? उसके बगल में वेजिटेबल कटर है, ये वाला, वो वेजिटेबल कटर है। तो भी कैटरिंग कटिंग के लिए होता है, सबको रेस्टोरेंट में कैटरिंग के लिए सभी कुछ वहीं पे ले जाते हैं। तो देख ही सकते हो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो कैटरिंग, ये क्या प्राइस क्या पड़ेगा इसका? इसका प्राइस आपको 19,000 रुपये पड़ेगा। कितना के जी का ये? ये इसमें घंटे में आपका पकड़ लीजिए 100 से 150 किलो होगा। इसमें हर एक तरह का डाइस रहता है। अच्छा, अलग अलग डाइस रहता है, जैसा डाइस लगाइएगा वैसा कटिंग। वो वेजिटेबल के ऊपर डिपेंड करता है, वेजिटेबल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा डाइस लीजिएगा कटिंग के ऊपर है। 15,500 ना? 19,000। तो 19,500 रुपये पड़ेगा। और ये क्या चीज़? ये आपका वहाँ से खुला हुआ हैंड प्रेस, ये वाला ऑरेंज के लिए। तो ऑरेंज के लिए सबको घर वाले लोग ले जाते हैं। हाँ, छोटा मोटा शॉप के लिए भी और घर के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज है। तो देख ही सकते हो 2,000 के। तो ऑन टेबल थोड़ा बहुत कंसेशन हो जाएगा आपको, यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर ये नूडल्स मशीन है, ये शुगर कैन मशीन है। ये शुगर कैन मशीन, ये ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक, ये मोटर वाली ये है। अच्छा, शुगर कैन ये ऑटोमेटिक मोटर वाली है, पूरा मोटराइज स्टील बॉडी। ये क्या रेट क्या पड़ते हैं? ये वाला 38,000, पूरा मोटर बटन लेके। और कितना HP का मोटर दिया हुआ? ये 1.5 HP का मोटर दिया हुआ है। तो
38,000 में आपको पूरा मिल जाएगा। और देख सकते हो, और ये सुगर कैन है, ये भी सुगर कैन है, हैंडमेड, ये हैंड कम पावर दोनों ही है। ये सब आपका बेसिकली बिजनेस के लिए, रास्ता वगैरह में सब कोई थोड़ा सा ले जाते हैं बिजनेस करने के लिए, तो ये सब निकला हुआ है। तो ये क्या प्राइस का बढ़ जाएगा? ये इसमें भी साइजेस है 10,500, 12,500, सब तरह का है, सब साइज के ऊपर में। अच्छा, ठीक है। ये कैंडी फ्लॉस है, कैंडी मशीन बोले तो जो चीनी वाला कैंडी मशीन है। तो देख ही सकते हैं छोटा वाला, ये रेट क्या बढ़ जाएगा इसका? इसका दाम आपको 10,800 करीबन पड़ेगा। तो गाइस देख ही सकते हो, 10,800 के बाद कॉफी मशीन है, कॉफी मशीन वो तो एक कटरिंग के लिए यूज होता है। तो ये क्या रेट क्या पड़ जाएगा इसका? इसमें भी सब अलग अलग है, 10,500, 11,500 मिनिमम, 10,500 से स्टार्टिंग है। 10,000 है तो मिनिमम 10,500 से स्टार्टिंग है। मैक्सिमम कितना तक है? मैक्सिमम आपका 11,500, 12, 12, 12.5 तक मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। एंड इसके बाद ये क्या चीज़ है? ये भी कैंडी फ्लॉस है, वो भी कैंडी फ्लॉस ही है। अच्छा, कैंडी फ्लॉस ही, अलग वेरिएंट अलग है। हाँ, वेरिएंट अलग अलग। तो ये वेरिएंट अलग है, वो वेरिएंट अलग है। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे आके चेकआउट कर लेना, ऑल थिंग मिल जाएगा आपको, जो चाहिए ऑल थिंग मिल जाएगा यहाँ पे। आटा पीसने का बोले तो मतलब गेहूं से जो आटा निकलता है, तो ये मेरे को एक बढ़िया चीज़ लगा। तो ये गेहूं से आटा निकलता है एंड उसके आटा के बाद ये आटा का गोंद बन जाता है। तो दोनों ही मिल जाएगा आपको यहाँ पे, डायरेक्ट आओ एंड खरीद के ले जाओ गाइस, ठीक है। तो ये क्या रेट पड़ गया? 12-16 3 HP चैम्बर साइज है, 12-6 बड़ा चैम्बर है। अच्छा, 12-16 चैम्बर, ये बड़ा होने से प्रोडक्शन ज्यादा। अच्छा, प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो चैम्बर के ऊपर रेट डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब पहले भी दिखा चुके हैं। तो फिर भी क्या रेट पड़ जाएगा इसका? ये इसका दाम, ये मोटर लेकर के आपका 55,000 रुपये का है। 55,000 इससे फिर ये बड़ी साइज की है, फिर छोटा साइज जैसा भी चाहिए सब मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा साइज है। तो ये ड्रायर मशीन है, ड्रायर मशीन बोला था मैंने, तेल भुजिया छानने के बाद तेल निकालने का जो होता है ड्रायर मशीन, फैक्ट्री में इंडिया को आपने भाज लिया, मिल्की को भाज लिया, उसके बाद में उसमें जो ऑयल होता है थोड़ा उसको एक्सट्रैक्ट करने का, तो थोड़ा बहुत ऑयल होता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने का। तो ये रेट क्या बढ़ जाएगा भाई? ये वाला 25,500 25,000। तो गाइस देख सकते हो 25,500, ठीक है। ये क्या चीज़ है? बहुत देर, ये बेचाली काटने वाला है, चाप कटर जो है, बेचाली बोले तो आपका गाय का, अच्छा धान का जो होता है, बेचाली को काटते हैं ना ग्रास को, फिर घास तो बिचाली काटने के लिए चाप कटर, अच्छा वो मशीन है इसमें का, ये सही मशीन है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक है? हैंडमेड? नहीं, ये आपका मोटर भी चलेगा, बाकी सामान भी सब पूरा, सब पार्ट्स अलग रखा हुआ है। अच्छा, अलग पार्ट्स रखा हुआ है। तो ये पूरा मतलब कंप्लीट क्या रेट पर जाएगा? कंप्लीट अगर मोटर के साथ में आप पकड़ लीजिए, आपका वो 25,000 रुपये चला जाएगा। 25,000 रुपये का। तो ये फार्मिंग के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, तो काउ फार्मिंग के लिए, ऐसे नॉर्मल फार्मिंग के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और भी देख सकते हो, दुकान का फ्रंट लुक देख लो। और यहाँ पे भाई एड्रेस और एक बार बोल दीजिए एड्रेस। कंचन इंजीनियरिंग 22 नेताजी सुभाष रोड कैलकाटा 1। तो देखिए आ सकते हो। और कोई लैंडमार्क? कैनरा बैंक के थोड़ा गेट ना, कैनरा बैंक के तो नियर मार्शल हाउस बिल्डिंग, नियर मार्शल हाउस। ये लस्सी मशीन है, ये जूस डिस्पेंसर मशीन है, ये चिकन फेदर मशीन है। ये क्या रेट पड़ जाएगा? ये चिकन फेदर मशीन है, ये मुर्गी का जो आपका डीप फेदरिंग मशीन अभी आजकल बहुत चल रहा है। ये रेट क्या पड़ जाएगा इसका? 12,500 रुपीज़। ये सब साइज आता है ना? हाँ, इसमें साइज आता है, इससे बड़ी साइज भी रहती है। अच्छा, इससे बड़े साइज भी रहते हैं। तो ये साइज तो मिनिमम कितने से स्टार्ट होगा? 12,500। और मैक्सिमम ये वाला? ये बाहर इम्पोर्टेड माल है, इसमें अभी इसका 22,000 रुपये। 22,000 रुपये। तो देखिए सबका बहुत ही बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी है। ये जो डिस्पेंसर है, ये ठंडा करने का, ठंडा करने का। तो ये रेट क्या पड़ जाएगा इसका? ये वाला 25,000 रुपये। मतलब दो डिस्पेंसर दिए हुए ना, 15 लीटर का 2 जार है। तो ऑटोमेटिक इसमें ही मतलब ठंडा हो जाएगा, इसमें ठंडा हो जाता है, ये ऑटोमेटिक चीज़ है ना, ठंडा होता है। तो ये रेट क्या पड़ जाएगा? 25,000 रुपये। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आके आ सकते हो, कंसेशन हो जाएगा। एंड इसके बाद ये वाला लस्सी मशीन है, लस्सी करने का, तो 6,500 रुपये दाम है इसका। 6,500 रुपये। तो भाई यार लस्सी शॉप खोलना चाहते हो तो यहाँ से आके लस्सी मशीन ले सकते हो। तो बेसिकली आप आ सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये वाला क्या चीज़? ये कैंडी फ्लॉस ही है। अच्छा, एक ही है सर, कैंडी फ्लॉस है, तो एक ही चीज़ है सर। तो मैं भैया का कार्ड दिखा दूंगा, आप कार्ड देख के फ़ोन करके आ सकते हो, ठीक है। तो
blessed. You check as I'm chest, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold an obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me.